नमस्कार, लाइट क्रिक इन्फो यूट्यूब चैनल में यहाँहरुलाई स्वागत छ। नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य प्रशिक्षक में अस्ट्रेलिया का डेब वाटमर नियुक्त भएका छन्। आज क्यानले एक विज्ञप्ति जारी करते वाटमर प्रशिक्षक में नियुक्त भएको जनाएको छ। नया प्रशिक्षक का लागि 72 जनाले आवेदन दिएका थिए। विभिन्न चरण को छनौट प्रक्रिया पार करते अंत्य में 12 जनाले अन्तर्वार्ता दिएकोमा डेब वाटमर प्रशिक्षक में नियुक्त भएका छन्। त्यस्तै क्यानले जनरल मैनेजर में रौनक बहादुर मल्ल, चीफ फाइनेंस अफिसर में रमेश कुमार न्यौपाने तथा क्रिकेट मैनेजर में विनोद दासलाई पनि नियुक्त गरेको छ। श्रीलंका को कोलंबो में जन्मेका वाटमोर पछि अस्ट्रेलिया का बासिंदा भएका थिए। पछि उनी अस्ट्रेलिया का खिलाड़ी समेत भएका थिए। दशक लामो खिलाड़ी जीवनबाट 1988-89 में सन्यास लिएका उनी त्यसपछि प्रशिक्षणतिर लागेका थिए। उनले श्रीलंका को प्रशिक्षक भएर श्रीलंकालाई 1996 में विश्वकप जिताएका थिए भने 2003 में सेमिफाइनलसम्म पुर्याएका थिए। तीनै वाटमर नेपालका प्रशिक्षक भएका छन्। उनको प्रशिक्षण में नेपाली क्रिकेटले ठूलो फड्को मार्नेछ भन्ने हामी विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद।